हमीरपुर टाउन हॉल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शपथ समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपमंडलाधिकारी डॉक्टर चिरंजीलाल चौहान ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर भी मौजूद रहे। हमीरपुर शहर में अधर में लटके कई विकास कार्यों को अमली जमा पहनाने के लिए कार्य करेंगे, ये बात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक स्वर में कही। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही हमीरपुर शहर के विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने बताया कि हमीरपुर शहर में चौतरफा विकास किया जाएगा। शहर के कई हिस्सों में शहर के वार्डो में फैली गंदगी का निपटारा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 11 वार्डो में कोई समस्या हो, उन समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। आज मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण की है और मेरी जो आगे की प्राथमिकता है, जो वार्ड को मतलब जो 11 वार्ड है उनको स्वस्थ सुंदर बनाना, ठीक है, फिर जो नालों को चैनलाइजेशन करवाना, फिर जो खराब पड़ी लाइट है जो वो सब ठीक करवानी है, क्योंकि उनकी काफ़ी कंप्लेंट है मेरे पास आ रही हैं, पहले से आ रही हैं, लेकिन अब मैं अध्यक्ष के रूप में काम करूँगा तो मेरे को 11 बार देखनी पड़ेगी। हम जितनी जो भी हमारी पार्किंग के लिए कहीं ना कहीं जगह मिले तो पार्किंग की भी हम बनाने की कोशिश करेंगे, पार्क को बनाने की कोशिश करेंगे और सब जो भी मतलब लोग मेरे को अपनी समस्या देंगे मैं उसको सुलझाने की कोशिश करूंगा। वहीं उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज ने बताया कि शहर को सुंदर बनाने के लिए और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए जो वादा जनता से किया गया है उसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बार्डों के लोगों की समस्याओं से लेकर हर एक मुद्दे को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। ओथ लेने के बाद अब जैसे ही हम दफ्तर को संभालेंगे, वैसे ही हमने अपने 11 वार्डों में अपने 11 पार्षदों से हमने पहले ही अनुरोध कर रखा है कि जिस वार्ड में जहां ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो हमें सबसे पहले आके अपनी प्रायोरिटी बताए। बहुत ही जल्द हम मीटिंग भी करने वाले हैं और उस मीटिंग में वो सारे मुद्दे रखे जाएंगे और उनको हल किया जाएगा। वहीं हमीरपुर के विधायक नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि नगर परिषद में कई विकास कार्य होते नजर आएंगे और उम्मीद जताई है कि नगर परिषद के पार्षद नगर के लोगों के कार्य हल करेंगे। आज जैसा कि आपको सभी को विदित है कि हमीरपुर नगर परिषद के आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह था जो अभी अभी सम्पन्न हुआ। इसके लिए मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। तो आज से ही जो नई हमारी नगर परिषद हमीरपुर की बनी है उसने नगर का कार्यभार संभाल लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि नई टीम बनी है, यंग टीम बनी है और शहर के विकास के लिए हमारा हमीरपुर शहर आगे बढ़े ये पूरा प्रयास करेंगे। और मैंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि डेवलपमेंट के मामले में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से जो भी, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे है, जो भी सहायता की ज़रूरत होगी हम पूरा प्रयास करेंगे और आने वाले समय में हमारा हमीरपुर जो शहर है वो हिमाचल का नंबर 1 शहर बने, इसमें हमारी जो नई चुनी कमेटी व मेरा यही प्रयास रहेगा और हम लगभग इसमें हम कामयाब भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।